सर्दियों में आपने अपने आसपास रोड पर देखा होगा कि जितने भी बड़े इंजन वाले वाहन होते हैं, भारी वाहन होते हैं, जिसमें कि बड़े इंजन लगे रहते हैं, जैसे कि आपके ट्रक है, कैंटर है, टाटा 407 है या फिर ट्रैक्टर है, जिनके इंजन बड़े होते हैं, उन सब में आपने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में रेडिएटर के सामने या तो वो गत्ता लगा के रखते हैं या फिर किसी कपड़े से या किसी दूसरी चीज से रेडिएटर को ढक के रखते हैं, जिससे कि सामने की जो सर्दी है, ठंडी हवा है, वो इंजन में ना जाए। वहीं अगर हम बात करें कार वगैरह की, तो आपने किसी भी कार में इस तरह का कोई ना तो कपड़ा देखा होगा रेडिएटर के सामने, ना कोई गत्ता देखा होगा, ना किसी दूसरी तरह से आपने देखा होगा कि रेडिएटर को ढकना पड़ता है। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि जब कार का एक छोटा सा इंजन उस सर्दी को, उस ठंडी हवा को सहन कर सकता है, जो कि उस बड़े इंजन से आधी भी या एक तिहाई भी हीट पैदा नहीं करता, जब वो इंजन उस सर्दी को सहन कर सकता है, तो फिर जो बड़े इंजन होते हैं, कार, ट्रक वगैरह के हैं, कैंटर के हैं, जो कि इन कारों के इंजन से 10-10 गुना ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, 10-10 गुना ज्यादा हीट पैदा करते हैं, तो फिर वो इस सर्दी को सहन क्यों नहीं कर पाते, इस ठंडी हवा को वो सहन क्यों नहीं कर पाते, और फिर उनके इंजन के सामने, उनके रेडिएटर के सामने क्यों कपड़ा या फिर गत्ते से उसको ढकना पड़ता है। तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर फैन है वो हमेशा चलता रहता है, मतलब जैसे आप इंजन ऑन करते हैं वो हमेशा चलता रहेगा। तो आपके पास ऑप्शन है कि सभी गाड़ियों में जो पंखा होता है रेडिएटर का, वो गाड़ी इंजन स्टार्ट करते ही और हमेशा चलता रहता है। दूसरा ऑप्शन है कि जब आपका कूलेंट गर्म हो जाता है बहुत, तभी वो चलता है, बाकी बंद रहता है। और तीसरा ऑप्शन है कि ये दोनों ही ऑप्शन है बहुत, मतलब कि कभी चलता है, कभी बंद हो जाता है, और कुछ गाड़ियों में हमेशा चलता रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ गाड़ियों में जो पुरानी गाड़ी है और जो कमर्शियल व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, भारी वाहन जिसको हम बोलते हैं, जैसे ट्रक, कैंटर, टाटा 407, उस तरह की गाड़ी है, या फिर आपके ट्रैक्टर जो है, उस तरह की जितनी भी गाड़ियां होती है उसमें आपका जो रेडिएटर वाला फैन है, पंखा है जो रेडिएटर के सामने होता है, उसको इंजन से ड्राइव दी होती है, मतलब इंजन की पुली से ही उसको एक बेल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिससे जैसे ही आपका इंजन स्टार्ट होगा तो वो आपका पक्का घूमता रहता है, और जब तक आप इंजन को बंद नहीं करते तब तक वो पंखा घूमता रहता है। वहीं जो कार वगैरह होती है उनमें अभी जितनी भी कार आ रही है उनमें ज्यादातर में क्या किया है, उस पंखे को आपके इंजन से ना देके ड्राइव, इंजन से बेल्ट से ना जोड़ के उसमें एक छोटी सी मोटर लगा दी है, डीसी मोटर जिसको हम कहते हैं, जो कि बैटरी या अल्टरनेटर से चलती है, और इसको ईसीयू कंट्रोल करता है। तो ईसीयू जब देखेगा कि हाँ कूलेंट का लेवल, अब कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, उसको आवश्यकता है ज्यादा ठंडा करने की, और वो खाली रेडिएटर से जो सामने से हवा पड़ रही है उससे ठंडा नहीं हो रहा है, तो उसके बाद वो फैन को ऑन करेगा, आपका ईसीयू, इंजन कंट्रोल यूनिट। तो ऐसी गाड़ियों में हमेशा आपका फैन नहीं चलता रहता है, उनमें जब आपका बहुत ज्यादा कूलेंट गर्म हो जाता है तभी ये चलता है। तो ये देखिए, ये अभी इंजन इसका रनिंग है, इंजन चल रहा है। अब आप, मैं इसका फैन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए रेडिएटर का फैन, ये देखिए आप, फैन आपका बिल्कुल बंद पड़ा है, ये देखिए, ये फैन आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये आपका इंजन है, और ये देखिए ये इसका पंखा है रेडिएटर वाला, जो कि पूरा बंद पड़ा है, क्योंकि अभी उतना तापमान नहीं है इंजन का या कूलेंट का कह ले, जिससे कि वो इतना गर्म हो कि पंखे को भी चलाना पड़े, बाहर से हवा खींच के अंदर भेजनी पड़े आपके इंजन को ठंडा करने के लिए। तो इसी में आपका जवाब छिपा हुआ है कि अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें कि बेल्ट से पंखा जुड़ा हुआ है और वो इंजन स्टार्ट करते हमेशा जो है वो चलता रहता है, तो फिर आपको ये जो गत्ता लगाने वाली चीज है उसके बारे में सोचना चाहिए, अगर आप ज्यादा ठंडी के मौसम में गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऐसी है जिसमें कि वो लगा ही नहीं है, ऐसी चीज ही नहीं है, डायरेक्ट बेल्ट से वो जुड़ा नहीं है, उसमें ईसीयू है और वो उसके हिसाब से ही चलता है, बंद होता है, और बहुत ज्यादा माइनस में आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, फिर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बहुत ही ज्यादा माइनस में या बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन में है, बर्फ गिर रही है, फिर तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा इसका एक और पहलू है कि क्यों जरूरी है
आखिर ऐसा करना क्यों जरूरी है कि हम रेडिएटर के सामने ये जो गत्ता लगाने वाली चीज है ये हमें करना क्यों जरूरी है, इसकी आवश्यकता क्या है? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो हमारी खास करके डीजल गाड़ी होती है उसमें आप जानते हैं कि किसी तरह का कोई स्पार्क प्लग नहीं दिया जाता। यहाँ पे जो आपका डीजल जलता है वो प्योरली आपका या इस तरह से जलता है कि उसको दबाया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है और इंजेक्टर के द्वारा वो बिल्कुल स्प्रे के रूप में दिया जाता है। तो अगर आपका इंजन ठंडा है तो ये जो डीजल है ये छोटी छोटी स्प्रे के रूप में स्प्रे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसकी मोटी मोटी बूंद बन जाएगी। और जब ये बूंद मोटी बन जाएगी तो इससे होगा ये कि आपका जो डीजल है वो पूरी अच्छी तरह से नहीं जल पाएगा और आपकी गाड़ी, आपको लगेगा कि हाँ मेरी गाड़ी धुआं दे रही है। तो इस तरह की समस्या भी आपको महसूस होने लगेगी अगर आपकी गाड़ी का तापमान सही तापमान नहीं होगा। कंपनी कहती है कि जब आपका इंजन रन करता है तो उसका तापमान लगभग 70 से लेके और 110 के बीच में होना चाहिए। 70 से अगर कम है तो इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दूसरा इसका एक और कारण है, वो है आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल। अगर आपके इंजन का तापमान 70 नहीं होगा या जितना कंपनी कहती है उतना नहीं होगा तो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो उतना गर्म नहीं होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, वो ठंडा होने के कारण गाढ़ा रहेगा। और ये गाढ़ा इंजन ऑयल आपकी जब सिलेंडर की दीवार पर स्प्रे किया जाएगा लुब्रिकेशन के लिए तो ये वापस में जब पिस्टन रिंग इसको नीचे खींचेगी तो कुछ वहां पे बच जाएगा जो कि आपके डीजल या पेट्रोल के साथ में जल के और फिर आपको ये धुएं के रूप में बाहर में दिखाई देगा। तो ये भी समस्या आपकी गाड़ी में आना शुरू हो जाएगी अगर आपकी गाड़ी का इंजन ठंडा रन करता है। तीसरा इसका एक और पहलू ये है कि जो आपके वातावरण में नमी रहती है वो जब सिलेंडर के अंदर जाएगी तो वहां पे वो पेट्रोल या डीजल के साथ में भाप बनेगी, फिर आपका चूंकि आपका इंजन ठंडा है तो आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है, जो साइलेंसर वाला पूरा सिस्टम है वो भी ठंडा रहेगा। और ये जब पूरा सिस्टम साइलेंसर वाला आपका ठंडा रहेगा तो इससे होगा क्या, इससे जब वो भाप वहां से जाएगी तो वो कंडेंस हो जाएगी, वो पानी की बूंदों में बदल जाएगी। और पानी की बूंदों में बदलने के कारण आपने अगर चलाने के बाद इंजन को बंद कर दिया, वो इंजन पूरा गर्म नहीं हुआ उतने तापमान पे, वो ठंडा ही चलता रहा और आपने बंद कर दिया, तो ये पानी की छोटी छोटी जो मॉइस्चर है ये आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में, साइलेंसर सिस्टम में ही रह जाएगी। और इससे होगा ये कि वहां पे ये बाद में आपके इंटरनल जो एग्जॉस्ट सिस्टम है उसमें ये जंग का रूप ले सकती है, वहां पे जंग लग सकता है जिससे कि आपका इंजन की लाइफ कम हो सकती है। तो ये भी इसका एक खतरा बना रहता है ठंडे इंजन को चलाने का। तो अब आप समझ चुके हैं कि क्यों भारी वाहन का इंजन बड़ा होते हुए भी फिर भी रेडिएटर के सामने कोई गत्ता या कपड़ा लगा के उस सर्दी को रोकना पड़ता है, और वहीं क्यों एक कार का छोटा इंजन उसको आसानी से सहन कर लेता है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन भरी लगी है, जानकारी भरी लगी है, आपकी कुछ जानकारी बढ़ी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आप आगे बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।